मैं जो है 1989 में आरपीएफ सेफ में जो है एज ए कॉन्स्टेबल भर्ती हुआ। भर्ती होने के बाद मेरा जो है 96 में पहला प्रमोशन हुआ। पहले प्रमोशन की मेरी जो है रिक्वरी करके जो लाभ दिया गया था वो काट दिया गया, जबकि उसका जो प्रमोशनल स्केल था 4,000-6,000 रुपये का था, वो मुझे उसका मुझे लाभ नहीं दिया गया। दूसरे प्रमोशन पर मुझे उसका लाभ दिया गया जो मेरा 2001 में हुआ। उसके बाद अगला 2003 में प्रमोशन हुआ, उसमें जो है मेरे को 45,700 का स्केल दिया गया जो कि रेल कर्मी का है, जबकि मैं सुरक्षा कर्मी के तौर पर भर्ती हुआ था और प्रशासन ने मुझे रेल कर्मी बना दिया। और मुझे आज तक जो है जो मेरे से ड्यूटी ली जा रही है वो जो सुरक्षा विभाग में ली जा रही है, और सुरक्षा विभाग में ड्यूटी करने के बावजूद जो मेरे को पनिशमेंट दिए जाते हैं वो सुरक्षा विभाग के उससे दिए जाते हैं। मेरे पर रूल जो है आरपीएफ के बॉन्स किए जाते हैं, और आरपीएफ जो मेरे प्रमोशंस जो हुए हैं उसमें मेरे को वेतनमान जो है रेल कर्मियों के दिए गए, और रेल कर्मियों के बनाए जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। रेल कर्मी में और सुरक्षा कर्मी में रात दिन का फर्क होता है, और जब किसी को सुरक्षा कर्मी से रेल कर्मी बनाया जाता है तो उसका जो है क्लियर ट्रांसफर ऑर्डर निकाला जाता है, जैसे कि कुछ लोगों के निकाले गए हैं और उन लोगों को जो है उधर की सुविधाएं दी गई हैं, इधर की बंद कर दी गई हैं, जो कि आरटीआई में भी साबित हुआ। आरटीआई में भी इन्होंने कहा कि जो है आपको सुरक्षा कर्मी से रेल कर्मी बनाया ही नहीं जा सकता, परंतु मैं आज भी जेल रहा हूँ। मुझे एमसीएम बताया जाता है, कभी मुझे ग्रेड 1 ड्राइवर बताया जाता है, कभी मेरे को मेरी पहचान ख़त्म कर दी गई। और मेरे जब मैंने ये सब चीज़ें जाननी चाहिए क्योंकि मेरे एक लड़के के दिल में छेद है, मेरे पिताजी हैंडीकैप्ड हैं और आरपीएफ से मुझे 5 साल की सर्विस के बाद आरपीएफ में जाने का प्रावधान है। जब मैंने उस सुविधा की मांग की 17 साल बाद, तो मुझे परेशान करने के लिए मेरा बंगाल में 8 साल पहले 2017-10-2008 को मेरा बंगाल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद मैं डीजी साहब से मिला, सब लोगों से मैं बार बार मिला, मेरा पुटअप हुआ, मेरे को आश्वासन दिए गए, परंतु मुझे आज भी रेल कर्मी के उस तौर पर गोरखपुर में जो है एमसीएम के टेस्ट के लिए बुलाया गया है। और सुरक्षा कर्मी, गजब की बात तो ये, सुरक्षा कर्मी जो है रेल कर्मी का टेस्ट ले रहे हैं जो कि किसी नियम में नहीं है, किसी उसमें नहीं है, और अपने मन मर्जी से सारे काम कर रहे हैं। और जब कहा जाता है भी मैं यहाँ पे आया तो मेरे को रेल कर्मी का मेरे कमांड सुरक्षा कर्मियों ने मेरा रेल कर्मी का कमांड बना के दिया था। जब मैं यहाँ पे आकर के मैंने कहा कि भैया मैं तो रेल कर्मी हूँ, मैं वर्दी नहीं लगाऊंगा, तो इन्होंने कहा भाई नहीं नहीं आपको वर्दी लगानी पड़ेगी क्योंकि सुरक्षा अधिकारी टेस्ट ले रहे हैं, उसमें रेल के भी अधिकारी हैं शामिल हैं, समझे। तो मैंने कहा मैं वर्दी नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं जो है मुझे रेल कर्मी माना जा रहा है, और मेरे को उस ASI रैंक लिखने के ऊपर सजा दी गई है जिसमें मेरे इंक्रीमेंट्स बंद किए गए थे। तो मैं डर गया। डरने के बाद क्या है कि मेरे को कभी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि मेरा नाम आइडेंटिटी कार्ड में मेरे को